हेलो एवरीवन, स्वागत है भाई आप सबका मेरी एक और नई वीडियो में। आज है 11th डे मेरी ट्रिप का। आज लास्ट डे है मेरी ट्रिप का। मैं घर के लिए निकल रहा हूँ अभी सुबह। कितने 8:15 हैं। मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट है यहाँ से कुआलालंपुर, कुआलालंपुर से दिल्ली। बाकी अभी सुबह सुबह मैं यहाँ पहुँचा हूँ और रिसेप्शन पर कोई नहीं है। मुझे चेकआउट करना है। तबीयत ख़राब हो गई, फीवर है। रात तो PCM खा ली थी। चलो यार अभी चल इसको ढूंढो पहले कहाँ है। चेकआउट हो गया अपना। डेलिमा बीच इन नाम है इसका। आप आओ चाहो तो रह सकते हो। ये पहला होटल था जिसमें मैंने अपना जो स्टे है एक्सटेंड करवाया, क्योंकि बहुत अच्छा नहीं था पर वर्थ था। जैसे मैं गंदे बंदे में हर किसी में रह नहीं पाता और मैं रह लिया, मतलब अच्छा था ये। लगभग 1200-1300 रुपये का पड़ा मेरे को। ये और कम पड़ जाएगा, 1100-1100 का पड़ जाएगा अगर आप कैश पेमेंट करोगे। मैंने कार्ड से पेमेंट करी थी। और यहाँ के दोनों जो स्टाफ हैं पाकिस्तानी है, अच्छा स्टाफ है। चलो अब मैं निकल गया एयरपोर्ट के लिए, टैक्सी ढूंढूंगा। बाय बाय बोल देता हूँ, लास्ट टाइम देख रहा हूँ ये चीज़ें। शायद अब तो मुश्किल ही आना होगा इस देश में। अब मन नहीं कर रहा जाने का, अब ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये। चलो ये देखना सुबह 8:30 कितना शांत रहता है। पूरी जगह कितनी शांत है यार। अब मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का है। ट्रैवलिंग सोलो ओनली यस बैक। यू आर फ्रॉम लंकावी ओनली? आई बॉर्न लंकावी। बॉर्न लंकावी, ओके। ओरिजिनल लंकावी, ओके। Thank you so much. Thank you. Good day. You too. तो ये आ रही है हमारी फ्लाइट AK-6319 सेकंड लास्ट 14/5 डिपार्चर। तो यार तब तक वेट कर लेता हूँ अपना। सब लगेज का कितना है? ये है 5.8 और दोनों बैग मिला के 6.6। तो ज़्यादा में भारी थी। गेट नंबर 6। तो यार मेरी फ़्लाइट को तो अभी टाइम है, तो अभी चॉकलेट, हॉट चॉकलेट ले लिया मैंने 20 रिंगिट की, 20 रिंगिट्स थोड़ा ज़्यादा है वैसे। तो यार अभी मैं बैठा हूँ, अपनी चेकिंग मेरा हो गया है, काफ़ी टाइम पहले करवा लिया है। बाकी एक चीज़ मुझे आपको दिखानी है। अगर आप मलेशिया से कुछ ले जाना चाहते हो तो ये बोर्नियो पल्स हैं, जो इंडिया में भी कहते हैं लोग ओरिजिनल होते हैं। तो ये फ्रेश वाटर पल्स हैं, मैंने 3 कलर लिए हैं। आप चाहो तो ले जा सकते हो, यहाँ पे ओरिजिनल होते हैं। फ्रेश वाटर भी होते हैं और सी वाटर भी होते हैं। ये गिर गया। और ये 3 कलर लिए हैं मैंने। ये कंपनी आप देख लो, एयरपोर्ट पे इसकी शॉप है। ये होते तो इंडिया में भी हैं लेकिन
ज़्यादातर चीज़ें उसमें फेक होती हैं, तो इसमें क्या है सर्टिफिकेट भी देते हैं, सी बॉक्स के अंदर सर्टिफिकेट है ओरिजिनल का इसका कि ये ओरिजिनल है। बाकी सी वाटर के होते हैं और ये 5000 ऐसे 6000 ऐसे रिंगेट के होते हैं, बहुत महंगे महंगे आते हैं ये, पर मुझे काफ़ी अच्छी डील मिल गई। बाकी चेक इन मेरा हो चुका है, मैं बैठा हूँ वेट कर रहा हूँ। एक अलग ही एयरपोर्ट है, सामने ही रनवे है बिल्कुल, यहीं से एरोप्लेन जा रहे हैं बार बार। अच्छा एक और चीज़, उन्होंने मुझे चेक इन भी नेक्स्ट फ्लाइट जो मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है उसका भी चेकिंग भी अभी से मुझे दे दिया, मुझे बस वहाँ जाके इमिग्रेशन करवाना है। चलो अब तो भाई लंकावी से यहाँ पे अब मेरा हॉल्ट है, कुआलालंपुर एयरपोर्ट पे हूँ अभी मैं, तो यहीं टाइम पास करना है अभी थोड़ी देर क्या, काफ़ी देर टाइम पास करना है। कुआलालंपुर से अब हम दिल्ली जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं, यहाँ पे अपनी फ़्लाइट देख लेता हूँ, अभी काफ़ी टाइम है। तो बाकी मैंने अभी थोड़ा कुछ खा लिया है, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। अब फाइनली चारों तरफ इंडियन देख के अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक भाई ने नोटिस किया, देखना क्या जॉइंट सा लग रहा है यहाँ पे प्लेन में। देखो दिवाली का टाइम है ना, सब लोगों ने अपने अपने घरों पे लाइट्स लगा रखी हैं, कितना सुंदर लग रहा है। ये तो लक वाली बात हो गई, अगर दिवाली के टाइम पे आप इंडिया या मैं जैसे दिल्ली एयरपोर्ट के पास हूँ
अगर आप इतना ऊपर से फ्लाई कर रहे हो तो दिल्ली कुछ ऐसा दिखता है दिवाली के टाइम पे, तो बड़ा ही सुंदर लग रहा है यार, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। क्या बदतमीजी?